आपको सभी इंडो कैनेडियंस को, इंडियन कम्युनिटी को, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया को 75th रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई हो। यहाँ कैनेडा में इतनी बड़ी हमारी कम्युनिटी है, इतनी डाइवर्स कम्युनिटी है, इंडिया के हर हिस्से से आई हुई है और इन्होंने इंडिया के लिए इतना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, कैनेडा के विकास में इतना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, तो आज उनके लिए स्पेशल मुबारक। और हम यही आशा करेंगे कि जो रोल प्ले कर रहे हैं करते रहें, इंडिया और कनाडा के बीच में लिविंग ब्रिज बने रहे और दोनों देशों की साथ में तरक्की होती रहे। और सर, अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, आप बात करते हैं, हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं कनाडा के, हमारे बहुत लोग यहाँ पे बसते हैं और हमेशा ये मनोकामना होती है कि हमारा देश ऑलवेज दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, तो उनके लिए कोई मैसेज बैक होम के लिए यहाँ पे तो आपने दे दिया, वहाँ पे भाईचारे के लिए कोई मैसेज? अभी हमारा, मैं तो कौंसल जनरल हूँ टोरंटो में, तो मेरा काम ये है कि टोरंटो में जितना हो सके हम अपने कौंसलर सर्विसेज इम्प्रूव करें, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, पीपल टू पीपल रिलेशंस को फैसिलिटेट करें, तो हमसे हमारा जो मैंडेट है उसमें हम जो कर सकते हैं हम जरूर करेंगे। और सर, वीजा को लेके कई बार हो जाता है, ये जो नए थोड़ी गाइडलाइन आई है उसके बारे थोड़ा अगर ब्रीफ कर दें, क्योंकि कईयों को कन्फ्यूजन है, अभी 5 साल का जो वीजा लगा हुआ था वो दोबारा लेना पड़ेगा कि वही स्टार्ट हो गया जो? नहीं, 5 साल का तो ठीक है, बट आई थिंक जो 10 साल का टूरिस्ट वीजा था वो अभी रिज्यूम नहीं हुआ है, तो जिनका 10 साल का टूरिस्ट वीजा है वो अभी वैलिड नहीं है, बट बाकी तो ई वीजाज खुल गए हैं, पेपर वीजाज के भी 4 कैटेगरीज खुल गए हैं, OCI तो है ही, तो सब कुछ वो तो नॉर्मल चल ही रहा है जी। और जिनके अगर किसी को भी यहाँ पे मतलब आना है तो डायरेक्ट वहाँ से VLC के थ्रू आई ग्लोबल मतलब BLS BLS के थ्रू, पर अगर किसी को दिक्कत हो तो हमेशा हमसे ईमेल पे संपर्क करें बेझिझक होकर, और अगर किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम हो रही है तो हम जो भी कर सकते हैं करने की सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट जी हाँ, आजकल अब सर्विसेज पूरे कनाडा में आउटसोर्स हो गई हैं कौंसलर सर्विसेज। हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू, थैंक यू वेरी मच। आपको सभी इंडो कैनेडियंस को, इंडियन कम्युनिटी को, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया को 75th रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई हो। यहाँ कनाडा में इतनी बड़ी हमारी कम्युनिटी है, इतनी डाइवर्स कम्युनिटी है, इंडिया के हर हिस्से से आई हुई है और इन्होंने इंडिया के लिए इतना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, कनाडा के विकास में इतना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, तो आज उनके लिए स्पेशल मुबारक। और हम यही आशा करेंगे कि जो रोल प्ले कर रहे हैं करते रहें, इंडिया और कनाडा के बीच में लिविंग ब्रिज बने रहें और दोनों देशों की साथ में तरक्की होती रहे। और सर, अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, आप बात करते हैं, हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं कनाडा के, हमारे बहुत लोग यहाँ पे बसते हैं और हमेशा ये मनोकामना होती है कि हमारा देश ऑलवेज दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, तो उनके लिए कोई मैसेज बैक होम के लिए यहाँ पे तो आपने दे दिया, वहाँ पे भाईचारे के लिए कोई मैसेज? अभी हमारा, मैं तो कौंसल जनरल हूँ टोरंटो में, तो मेरा काम ये है कि टोरंटो में जितना हो सके हम अपने कौंसलर सर्विसेज इम्प्रूव करें, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, पीपल टू पीपल रिलेशंस को फैसिलिटेट करें, तो हमसे हमारा जो मैंडेट है उसमें हम जो कर सकते हैं हम जरूर करेंगे। और सर, वीजा को लेके कई बार हो जाता है, ये जो नए थोड़ी गाइडलाइन आई है उसके बारे थोड़ा अगर ब्रीफ कर दें, क्योंकि कईयों को कन्फ्यूजन है, अभी 5 साल का जो वीजा लगा हुआ था वो दोबारा लेना पड़ेगा कि वही स्टार्ट हो गया जो? नहीं, 5 साल का तो ठीक है, बट आई थिंक जो 10 साल का टूरिस्ट वीजा था वो अभी रिज्यूम नहीं हुआ है, तो जिनका 10 साल का टूरिस्ट वीजा है वो अभी वैलिड नहीं है, बट बाकी तो ई वीजाज खुल गए हैं, पेपर वीजाज के भी 4 कैटेगरीज खुल गए हैं, OCI तो है ही, तो सब कुछ वो तो नॉर्मल चल ही रहा है जी। और जिनके अगर किसी को भी यहाँ पे मतलब आना है तो डायरेक्ट वहाँ से VLC के थ्रू आई ग्लोबल मतलब BLS के थ्रू, पर अगर किसी को दिक्कत हो तो हमेशा हमसे ईमेल पे संपर्क करें बेझिझक होकर, और अगर किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम हो रही है तो हम जो भी कर सकते हैं करने की सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट जी हाँ, आजकल अब सर्विसेज पूरे कनाडा में आउटसोर्स हो गई हैं कौंसलर सर्विसेज। हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू, थैंक यू वेरी मच।